युगांधर महज एक कहानी नहीं, एक महागाथा है। वीर गाथा है एक ऐसे युग पुरुष की, जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए उस युग पर अपनी वीरता की एक अमिट छाप छोड़ जाता है, युग का आधार बन जाता है और कहलाता है युगांधर। यहाँ के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि डाकू दिन दहाड़े एसपी की हत्या करने लगे हैं और आतंकवादियों के डर से बांध का काम सालों से रुका पड़ा है और हमें खबर तक नहीं है। ये तो भला उस कलेक्टर का जिसने हमें ठीक वक्त पर बुला लिया, वरना हम तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है। सर, बागी कृष्णा और उसके साथियों को पकड़ना अब पुलिस के बस का नहीं रहा। क्यों 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 सर, डाकू कृष्णा ने पूरी फौज बना रखी है। सर, ही इज रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट। कलेक्टर माथुर, 15 दिनों के अंदर अंदर कृष्णा डाकू के बारे में मुझे पूरी मालूमात चाहिए। इट्स एन ऑर्डर। मैंने उसके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार की है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। सर, यही है वो कृष्णा डाकू जिसने पिछले 10 सालों से भारतपुर जिले में आतंक फैला रखा है। सबसे पहले इसने पार्वती नदी के आसपास ड्रीम मेकर्स की जमीनों पर जबरन कब्जा किया। जब से वो डाकू बना है उसने तो हद ही कर दी है। देखिए मेरा मार मार के क्या हाल बना दिया है। ये देखिए कोड़ों के निशान। बांध मजदूरों की रखवाली पर तैनात पुलिस ऑफिसर प्रभु सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अपनी दहशत से जिले की तरक्की के लिए बनाए जाने वाले डैम का काम रुकवा दिया। ये देखिए, पिछले 8 साल से ये बांध यूं ही जंग खा रहा है। इसी कृष्णा ने किशनगढ़ में हजारों गांव वालों को सरकार के खिलाफ भड़काया और सामूहिक हत्याकांड में 60 लोगों की जानें ली। भारतपुर शस्त्रागार से सैकड़ों बंदूकें और गोला बारूद लूटा। वो जी 19 फरवरी को एक ट्रेलर हथियार वर्कर ने भेजे थे ना, वो भी काली घाटी पे कृष्णा डाकू ने लूटे थे। बड़ा जालिम आदमी है जी, पुलिस पर भी गोली चलाने से डरता नहीं है। और इन्हीं बंदूकों के जोर पर गांव की अबलाओं की इज्जत लूटी और अपने खुद के कानून बना बनाकर 126 गांव में समांतर सरकार चलाई। राम राम जनाब, ये देखिए कृष्णा, कृष्णा डाकू ने क्या हाल किया मार मार के। मेरा पैर तोड़ दिया जनाब, पेट से उल्टा टांग कर जानवरों से भी बदतर मार मारी है कृष्णा डाकू ने। ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कस्तूरी लाला की बेटी रोहिणी को अगवा करके उससे जबरदस्ती शादी की और अंधी ताकत के नशे में आकर एसपी बलराम सिंह की पत्नी का अपहरण किया और उस पर बलात्कार करने की कोशिश की, और जब इस कोशिश में नाकामयाब रहा तो दिन दहाड़े सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की हत्या कर डाली। अब पुलिस फोर्स बिल्कुल लाचार हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आतंकवादी कृष्णा का किसी भी तरह से खात्मा कर दें ताकि मेरे जिले की तरक्की हो सके।
मुझे आज ही केंद्रीय गृह मंत्री से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे खतरनाक दुश्मन का खात्मा करने के लिए हमारी मिलिट्री का एक ही जाबाज ऑफिसर काफी है। कर्नल कबीर अहमद। जैसे दुश्मनों का सफाया करने आए हैं। कृष्णा डाकू, अगर तुम अपनी और अपने साथियों की जानें बचाना चाहते हो तो तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम पल भर में तुम्हें खत्म कर देंगे। कृष्णा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। नहीं, 1, 2 अगर ये तो पुल के इस पर आ गई तो हम सब पल भर में खत्म हो जाएंगे। बाला अभी जिंदा है भैया, जिंदा।
खत्म हुई है, गोलियां खत्म हो गई है। दुश्मन का खून बहाना खून खराबा नहीं होता, और तुम जैसा देशद्रोही। हम देशद्रोही नहीं है कर्नल, देशद्रोही नहीं है। पुलिस अफसरों की हत्या करने वाला देशभक्त होता है क्या? बांध का काम रुकवाने वाला समाज सेवक होता है क्या? गरीब गांव वालों पर दहशत फैलाने वाले महात्मा होते हैं क्या? अपनी सरकार से बगावत करने वाले स्वतंत्रता सेनानी होते हैं? बोलो, देख क्या रहे हो? शूट मी, शूट मी! नहीं, पागल मत बनो, फेंक दो बंदूकें, फेंक दो। और तुम इस धोखे में मत रहो कर्नल। अगर तुम सच में देश के दुश्मनों को मिटाना चाहते हो तो सच्चाई अपनी आंखों से देखो। आओ कर्नल, आओ। देखो, यही है वो लोग जिनकी तुम्हें तलाश है, जिनकी तुम जान लेना चाहते हो। देखो, इन्हें गौर से देखो कर्नल साहिब। ये औरतें, बच्चे, बूढ़े या अपाहिज, ये तुम्हें चोर डाकू का डर लगते हैं? आओ आओ, देखो, ये बनवारी है। बैंक के अधिकारियों ने इसके पैसे ले लिए, लेकिन इसके खेत में कुआं नहीं खुदा। ये लक्ष्मी है, इसकी जमीन इसलिए छीन ले गई कि बांध से इसको पानी मिलने वाला था। और ये सदाशिव है, इसका हाथ इसलिए काट लिया गया कि इसने गोरा ठाकुर का कोड़ा पकड़ लिया था। हाँ, और ये सलमा, महाजन के सूद में इसने घर बारी नहीं अपनी इज्जत तक दे दी है। अब बताओ, ये चोर डाकू देश तो ये
सिर्फ यही नहीं है कर्नील साहिब, इनके जैसा हजारों और भी है जो आज भी अपनी जमीन से टूट के जंगलों में रेगिस्तान में भटक रहे हैं, और उनकी तो गिनती तक नहीं है, जो एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गए कर्नील साहिब। देखो कृष्णा, मुझे यह सब सुनाने से कोई फायदा नहीं, मैं सिर्फ सरकार के हुक्म का ताबेदार हूं, और तुम लोग यहां जो कुछ भी कर रहे हो कानून के खिलाफ है, इसलिए मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम लोगों को कानून के हवाले कर दिया जाए। मगर यह काम आप खून खराबा किए बगैर भी तो कर सकते थे ना कर्नल साहब। वो कैसे? जिस नाइंसाफी ने हमें गुनहगार बनाया उसे दूर कर दीजिए। कैसी नाइंसाफी? एक ऐसी नाइंसाफी, एक ऐसी साजिश जिसने भारतपुर के 126 गांव को तबाह कर दिया कर्नल साहब। किसानों के घर छीने, जमीनें छीनी, बच्चों को अनाथ कर दिया, औरतों को विधवा, जवानों को बूढ़ों को अपाहिज बना दिया कर्नल साहब। क्या हुआ था? ये कहानी आज से 20 साल पहले चितवनी गांव के लाला कस्तूरी के षड्यंत्र से शुरू हुई थी, जिसकी शिकायत लिखवाने हमने बल्लू को पुलिस थाने भेजा था। सरकार कोई धर्मशाला समझ सकती जो बैठ गया छांव देख के? चल भाग ऐसे। अरे नहीं सरकार, हम तो रपट लखवाई के खातिर आए हैं, हमरे यहाँ चोरी हो गई है सरकार। अबे फटीचर, तेरे पास ऐसा है ही क्या जो चोरी हो जाएगा? अरे सुना सरकार, माय बाप सच्ची की चोरी हो गई है सरकार। ये एसपी साहब के दफ्तर में दे आना जी। सरकार हाँ, क्या है, क्या चोरी हो गया है? हमरा कुआ चोरी होएगा भाई सर। कुआ? वो जो जमीन में होते है ना, जो पानी देते है, वो चोरी होएगा भाई सर। मुंह खोलो। अंदर मुंह सुनो इसका। लगता है साहब ये दारू नहीं पिया। चलो यहाँ साहब, यहाँ इस जगह में रहा हमारा कुआं। अच्छा, इस जगह में तो यहाँ था तुम्हारा कुआं, यहाँ से चोरी हुआ है जी। हाँ, कब की बात है ये? रात को आखिरी बार यहीं देखा था, जब ये बाल्टी लबालब पानी से निकाली थी, अभी लोटा ही रह गया खेत में जाने के लिए। अब चुप रह। चुप। ये जमीन इतनी सख्त है, यहाँ कुआं कैसे खोदेगा? अरे तो हम का झूठ कह रहे हैं सरकार। अरे भाई क्या हुआ बल्लू? अरे बीर सिंह जी, देखा हम 15,000 का कर्जा लिया रहे गवर्नमेंट से। हाँ, जब खुदाई पूरी हुई तो उसका 5,000 ये उसका रसीद है। हाँ, जब लिपाई पूरी हुई उसका ये 5,000 का रसीद है। हाँ बिल्कुल ठीक। और ये आखिरी किस्त 5,000 का जब कुआं पूरा हो गया। ये कस्तूरी के हाथ का लिखा हुआ है। हाँ, ये देखिए कस्तूरी लाला, बैंक का चेयरमैन। बलराम सिंह जी भैया, कुछ सोचो, कुछ करो, कहीं ये कागज के कुएं की वजह से हम दोनों को असली कुएं में न कूदना पड़े। तेरा डरना सही है लाला, तू डरपोक है, हम राजा हैं, हमरे बाप दादा भी राजा थे, सत्ता चलाना हम जानते हैं, सत्ता के बगैर हम जी नहीं सकते। जब रजवाड़े खत्म हुए तो पुलिस में दाखिल हो गए, पोशाक बदली, मगर सत्ता बरकरार। सत्ता हमारे और तुम्हारे खानदान ने 200 साल तक इस इलाके पर कैसे सत्ता चलाई है हम अच्छी तरह से जानते हैं बलराम सिंह। उन्होंने किसानों और मजदूरों को लूटा, उन पर अत्याचार किए, जुल्म किए, उन्हें हर तरह से सताया, उनके घरों पर हल चला दिए। सत्ता जब क्रांति आई, गांधी, नेहरू, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपना खून बहाकर जनता राज स्थापित किया तो हम तो बहुत खुश हुए। हमें लगा कि अब किसानों और मजदूरों को फायदा होगा, उन्हें उनका हक मिलेगा। लेकिन नहीं, कस्तूरी लाला जैसे हराम खोरों ने जनता राज का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने किसानों और मजदूरों को और लूटना शुरू कर दिया। ग्रामीण बैंक का चेयरमैन बनकर 15,000 रुपए के कर्जे में से 10,000 रुपए ये और उसके साथी रिश्वत में खा गए। कागज बना दिए, कुआं बनकर तैयार हो गया।
अब 5,000 रुपए में ये गरीब आदमी कुआं कैसे बनाएगा? सरकार, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए। इसने बैंक से उधार पैसे लिए थे, कहा था कि खेत में जाकर कुआं बनवाएगा, पैसा जाकर जुए में हार गया, तो मैंने इसकी जान बचाने के लिए लिख दिया कि कुआं बन चुका है। अब आप ही इंसाफ कीजिए सरकार, ये तो साला अंधा करे और काना पकड़ा जाए। असली चोर तो बल्लू और कृष्णा है, इनको जेल में भेज दीजिए सरकार। अच्छा, तो बल्लू ने पैसे जुए में उड़ा दिए? और क्या, और क्या बलम? इनके कास ने लिखवा दिया था कि कुआं खुद चुका है कस्तूरी। लाला, इन सबको बल्लू ने भड़काया है। भैया तू जाकर समझा दे इन लोगों को। समझौता करा दूं? हाँ हाँ हाँ, अच्छे कम में किस बात के थे, जा जा। हाँ रुको, देखो कोर्ट कचहरी जाने में कोई फायदा नहीं। लाला जाएंगे 7 साल तो हम भी सब जाएंगे ना 2-2 साल। अरे मुट्ठा तो हमने मारा है कि नहीं? मेरी मानो तो फैसला यही हो सकता है, जितना कर्जा किसानों ने लिया है लाला सब माफ कर देगा, झूठे कागज जला देंगे, किसी के सर पे कोई कर्जा नहीं रहेगा। बोलो कस्तूरी लाला की जय। बोलो कस्तूरी लाला की जय। ई भगत बात मान ले लाला, बाकी के काम में ये बात फैल गई तो सारे के सारे गड़े मुर्दे उखड़ाएंगे। ठीक है। यूं मूछे चूसने से पेट नहीं भरा करता ठाकुर। जो कुएं कागज पर खुदवाए थे उनको जलाकर आपने थोड़ा सा कर्जा तो माफ करवा लिया, लेकिन जब 3-3 साल तक लगातार अकाल पड़ेगा तब कुआं खुदवाने के लिए कर्जा, अगली फसल उगने तक घर चलाने के लिए कर्जा, बीज खरीदने के लिए कर्जा, तब इन लोगों को मेरे पास आकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तब देखना, ये जो साले नाच रहे हैं ना, ये तुम्हारे नाम की गालियां ना बके तो मेरा नाम भी कस्तूरी लाला नहीं। नाचो रे नाचो, नाचो और जोर से नाचो, तब देखूंगा मैं। वो दिन देखना शायद तुम्हारे नसीब में नहीं है लाला। सुनो सुनो भाइयों, सुनो सुनो, आज ही मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। हमारी सरकार ने पार्वती नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस बांध के बन जाने से प्रतापगढ़ से गजरौला तक के 126 गांव की जमीनें सोना उगलने लगेंगी, सोना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आती जन्माष्टमी को हम सब बांध की नींव रखेंगे और उसी के बाद झांकियां निकलेंगी। रोहिणी, 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 कहाँ थी तू 3 बार? मैंने तुझे 3 बार ढूंढा। एक खुशखबरी सुन। मैं जानती हूँ। कमाल है, मैं तो समझता था सिर्फ मेरी बुरी बातों की खबर तुझ तक पहुंचती है, लेकिन आज मुझे पता चल गया मेरी अच्छी बातों की खबर भी तुझ तक पहुंचने लगी है। तेरी भी और बल्लू की भी। बल्लू? हाँ, उसने तो कमाल ही कर दिया, इतने सारे किसानों का कर्जा माफ करवा दिया और वो भी मेरे बापों से। उसने जो चाल चली है ना, वो तो सिर्फ अक्लमंद ही चल सकता है। बल्लू लगता शक्ल से भोला है पर है बहुत होशियार। मुझे बापू ने कितना समझाया कि ये सब कृष्णा की ही करतूत है, लेकिन मैंने भी ठान कर कहा इसमें कृष्णा का बिल्कुल हाथ नहीं हो सकता। अरे कहे नहीं हो सकता, कहे नहीं हो सकता, इसलिए कि तू तो सीधे वही लड़ पड़ता। ये अक्कल से काम लेके लाठी तोड़े बिना सांप को मारना तेरा काम थोड़े ही है। क्यों? एक बात बताओ रोहिणी, ये चाल हमने चली थी
तूने? हाँ, वो अपना बल्लू है ना, एक नंबर का लल्लू, वो का जाने सोचने की बातें। हाँ, इसलिए तूने उसे ये सब सिखाया? हाँ, और नहीं तो क्या। देख, बल्लू है ना, वो अपना बड़ा भाई है, उसका ख्याल रखना अपना कर्तव्य है। लेकिन रोहिणी, तीर तो ऐसे निशाने पे बैठा के पूछ मत, दादा ठाकुर बहुत खुश हुए। क्या कर रही है बदमाश? तो ये सब से निकली हुई गंगा है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि दूसरों के लफड़े में मत पड़ा कर, लेकिन तू है कि माता ही नहीं, अब बात कर रहा है। अरे रुक जा ना, छोड़ ना, अरे छोड़ ना, छोड़। तू ये सब क्यों करता रहता है, क्यों डांट खाता है मेरी? क्या ये सब मुझे अच्छा लगता है? तेरे बारे में जब बापू से शिकायत सुनती हूँ तो दिल घबरा जाता है। ऐसा लगता है कि तेरी हर एक हरकत के साथ तू मुझसे दूर जा रहा है। अरे ये देखो, फिर रोने लग गई। अरे हम तो तेरे वास्ते खुशखबरी लेकर आए थे। जानती है, सरकार हमारे इलाके में पार्वती नदी पर बांध बनवा रही है, एक बार रूका बन के तैयार हो जाने दे, फिर हजारों गांव हरे भरे हो जाएंगे, हर किसान साल भर जमीन कसेगा, फिर ना तो कोई किसी को लूटेगा और ना कोई भूखा मरेगा, और ना ही तेरे किसना को जरूरत पड़ेगी किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ने की। Thank you.
पोल्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ कंट्री इज दिस? तुम लोग एक सड़क नहीं बना सकता है और मेरा भारत महान बोलता है। बोलने में थोड़ी पैसे लगते हैं सरकार। थैंक गॉड, हम बहुत लकी था जो अपना चाइल्डहुड में ही बचपन में ही इंग्लैंड चला गया। माय ग्रेट ब्रिटेन। सरकार, आप सचमुच किस्मत वाले थे कि आपको एक नाजायज अंग्रेज बाप मिल गया। व्हाट फॉस्टर फादर? मुझे भी ऐसा कोई पहाड़े का बाप मिल जाता ना सरकार, तो मैं भी इस देश को मोटी मोटी गालियां देता। मगर हम तुमको बोल देता कस्तूरी, हम ये गांव में, ये कंट्री में एक दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा। हमारा सब इंडियन प्रॉपर्टी। और आप फिक्र मत कीजिए सरकार, आपके जूतों से लेकर आपके खानदानी जेवर, जमीन जायदाद, सबका सौदा मैंने तय कर लिया है। आपको सिर्फ दस्तखत करके पैसे, सिग्नेचर करके पैसे ले लेने मेरे कमीशन के छोड़कर। उसके बाद हमेशा के लिए आपका नाता इस देश से खत्म। नाता, कनेक्शन, रिलेशन, सब फिनिश। Oh, I see. That's great. ये क्या है कस्तूरी? What is this? ये है तो मेरी समाधि सरकार, लेकिन गांव वाले इसे बांध कहते हैं। डैम बना रहे हैं। डैम पूल यहाँ? हाँ, मैं भी परेशान हूँ कि यहाँ पर क्यों बना रहे हैं सरकार। मैंने गांव वालों के लिए हजारों कुएं खुदवाए हैं, लेकिन ये साले वो एमपी दादा ठाकुर की बातों में आकर उससे मिलकर मेरे पेट पर लात मार दी है, भीख मंगा बना दिया है। Oh, very sad. सरकार, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपको अपना बाप भी बनाने को तैयार हूँ। आप मुझे गधा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, जो नाचना चाहेंगे मैं नाचूंगा। मुझे गोद ले लीजिए सरकार, मुझे गोद ले लीजिए। तो महाजनों, मैं आपको लाखों का माल सामान पानी के भाव में दे रहा हूँ, तो मेरी दलाली भी ज्यादा होगी। 5% नहीं, 10% लूंगा। जिसको मंजूर हो यहाँ पर रहे, जिसको ना मंजूर हो यहाँ से बाहर चले जाए। बहुत छोटी सी बात है। सरकार आ गए। आइए सरकार, आइए आइए आइए।
सरकार ये है राजस्थान के कोने कोने से आए करोड़पति। ये है सेठ जौहरी लाल जी जो आपकी 2000 किलो चांदी लेंगे। ये है मदन लाल जी जो आपके फार्म हाउस लेंगे। और यह है प्रताप सिंह जी जो आपकी हवेली खरीदेंगे। यह लकड़े वाले भाई साहब जो आपका सारा फर्नीचर ले लेंगे। यह है गेंदा राम जी जो मोती डूंगरी लेने वाले हैं सरकार। यह है रामपाल जो 120 घोड़े अस्तबल के लेंगे, मेरे छोटे भाई हैं। नमस्ते जी। ये 152 पेंटिंग लेंगे श्रीमान। ये गुज्जू राम जी आपके आम के बगीचे खरीदेंगे। श्रीमान अवतार जी हमारी मंदिर की 55 मूर्तियां। और ये श्रीमान काली माता पर जो माँ जी ने गहने चढ़ाए वो लेंगे। अब सिर्फ आपके हस्ताक्षर बाकी है। कस्तूरी, अब हम जमीन बेचेगा नहीं, खरीदेगा। खरीदोगे? लेकिन क्यों सरकार? कस्तूरी डैम बन जाने के बाद यहाँ का जमीन गोल्ड बन जाएगा और हम जमीन पर बड़ा बड़ा मिल बनाएगा, इंडस्ट्रीज लगाएगा, अपना एम्पायर खड़ा करेगा। और ये जमीन का किसान वो कहाँ जाएगा सरकार? कस्तूरी, तुमने नहीं देखा, हर कारखाना का पास एक स्लम, झोपड़पट्टी। हाँ, झोपड़पट्टी होता है जिसमें उस कारखाना में काम करने वाला वर्कर मजदूर रहता है। हमारा कारखाना का पास वाला झोपड़पट्टी में ये लोग रहेगा और हमारा मजदूरी करेगा। तुम सिर्फ ये बताओ कि यहाँ का जमीन का प्राइस, दाम। हाँ, दाम कितना ठीक रहेगा? दाम तो वही ठीक रहेगा जो हम तय करेंगे, लेकिन तरक्की आपकी और वो झोपड़पट्टी में। वो अपनी जमीन नहीं बेचेंगे सरकार। बेचेगा कस्तूरी, जरूर बेचेगा, क्योंकि हम उन अनपढ़ गवार लोगों को बड़ा बड़ा सपना दिखाएगा, प्रोग्रेस का, तरक्की का, रिचनेस का, पैसा का। वो कैसे सर? हम आप लोगों का जमीन इसलिए खरीदना चाहता है ताकि हमारे इस गांव का, पूरे जिले का प्रोग्रेस हो, तरक्की हो। हम चाहता है कि हमने जो नॉलेज, ज्ञान, जो ज्ञान हासिल किया है उससे हमारा लोगों का फायदा हो, क्योंकि भले ही हमारा एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई परदेश में हुआ हो, लेकिन हमारा दिल अभी भी हिंदुस्तानी है। अगर आप लोग चाहता है कि आपके गांव का हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिले, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कॉलेज और ट्रांसपोर्ट के लिए बसें, मोटर गाड़ी, ट्रेन को हिंदी में क्या कहता है? ट्रेन को भग भग भागनी वाहक भाग लोहपद गामिनी भग 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 या 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 भग भग अग्निवाहक। अरे कौन से अरे हो दादाजी, ये कौन सा नया यंत्र ला रहे हो गाँव में? अबे हो वो, अरे तो ये भग भग छुक छुक क्या कर रहा था? सीधे सीधे हिंदी में ट्रेन कहो ना। इडियट। अगर हमें भी अंग्रेजों की तरह प्रोग्रेस, तरक्की करना है तो हम लोगों को अपना थिंकिंग, सोच बदलना होगा। अब साल भर खेतों में लेबर, मजदूरी करके झोली भर अनाज पैदा करने का जमाना नहीं रहा। अगर आप लोग हमारा बात मानो तो अपना खेतों में बीज नहीं, बुनियाद डालो। बड़ा बड़ा फैक्ट्री, कारखाना का बुनियाद, जो सिर्फ आप लोगों को ही नहीं बल्कि आपका आने वाला जनरेशन, नस्ल को भी रोटी देगा। अगर आप लोग अपना जमीन बेचने को तैयार है तो हम पैसा लगाने को तैयार है। बोलो, फैसला आप लोगों के हाथ है। पर हमका करना का पड़ेगा। अरे करना क्या है बल्लू, इस कागज पर दस्तखत करो, तुम्हें खेत की कीमत भी मिलेगी और नौकरी भी। सुनो,
अरमान, खरीदे सब खेती खलियान, हमारा कर दे वो कल्याण, वो आया करके है सारी तैयारी। अरे सुनो सुनो ओ गांव के रहने वालों, देखो गांव में आया एक व्यापारी। अरे हट इतना सर मत चढ़, तुझे क्या समझाए अनपढ़, जरा ठहरो के हम समझाएगा, तुम हमको कहने दो। तुम्हारे गांव में हम कारखाना जब लगाएगा तो सारे गांव को हम शहर के जैसा बनाएगा, जहां पुरवाई के बदले में चिमनी का धुआं होगा, न फिर ये धरती ऐसी होगी न ये आसमां होगा। अरे ये भी तो सोचो, जो भी शहर में होता है वो सब कुछ यहाँ होगा। मगर इतना बता दो मुझको तुम भैया, किसान अपनी जमीन जो बेच देगा तो कहाँ होगा? तो फिर तुम ये कहो, तुमको बुरी हालत की आदत है, तरक्की से तुम्हें नफरत, गरीबी से मोहब्बत है। गरीबी से नहीं मुझको, गरीबों से मोहब्बत है, यही है मेरी पूजा और यही मेरी इबादत है। और तरक्की के लिए क्या सोचते हो? तरक्की वो नहीं होती जो एक धनवान का घर भर दे, लेकिन सैकड़ों निर्धन रहे भूखे फिरे बेघर, जिए दिन रात मर मर के। तरक्की वो नहीं होती। तो फिर हम भी सुने के तुम तरक्की कौन सी चिड़िया को कहते हो? तरक्की इसको कहते हैं कि हर एक घर में रोटी हो, तरक्की इसको कहते हैं कि हर आंगन में ज्योति हो, तरक्की इसको कहते हैं कि हर सीने में आशा हो। तरक्की ये नहीं होती कि भाषण हो, कमीशन हो, तमाशा हो। बहुत नाराज हो लेकिन सुनो, जमीन हम तुमसे जो लेगा पूरा दाम भी देगा, यहाँ पर मिल बनाएगा तो सबको काम भी देगा। काम? तुम अपने आप मालिक हो, मगर ये सेठ जी तुम सबको अब नौकर बनाएगा। दाम? चलो ये भी सुनो के दाम ये कितना चुकाएगा। जिसको मेरे पुरखों ने लहू से सींच कर फसलें उगाई थी, बताओ मेरे पुरखों के लहू का दाम क्या दोगे? ये वो धरती है जिसकी गोद में बचपन मेरा खेला, ये धरती मेरी माँ है, बताओ मेरी माँ की ममता का दाम क्या दोगे? जरा देखो जरा देखो, पर देखते हैं हम निशा पुरखों के पांव के, यहां के जर्रे जर्रे में हमारी कितनी यादें हैं। हमारी जान है गांव, मेरी पहचान है गांव, मेरी पहचान का तुम ये बताओ दाम क्या दोगे? बहुत पंचम में बातें कर रहा है, मगर ये तो कहे क्या चाहता है? तुम्हारे दिल में गांव का भला है तो आओ साथ आओ, मेरे कंधे से तुम कंधा मिलाओ, हम इस धरती से वो फसलें उगाएं कि हर भूखे को हम रोटी खिलाएं, मिटा डाले गरीबी का ये किस्सा, बराबर का मिले हर एक को हिस्सा। न कोई मालिक हो ना कोई नौकर, लुटेरा हो कोई ना कोई बेगर,
5 foot! Bloody idiots! Bloody third class villagers! Bloody pigs! I'll kill you! You bloody bastard! किसी का नहीं दे रहे सरकार? Who was that son of a bitch? वो कुत्ता का बच्चा कौन था? वो तो कृष्णा है सरकार। आप उसकी परवाह मत कीजिए। अनपढ़ है साला गंवार है। I'll break this bloody son of a bitch! हम इन तमाम इंडियंस को स्लेव बनाएगा। स्लेव! वो कैसे सरकार? तुम जानते हो कस्तूरी, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर रूल क्यों किया था? बहुत ताकत वाले लोग थे सरकार। नो, बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट ब्रेन्स। उन्होंने लोकल लोगों को अपना स्लेव, अपना गुलाम बनाने के लिए यही के लोगों का हेल्प लिया जिनके पास पावर था। हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में हेल्प किया। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार, मैं समझा नहीं। हम यहाँ के उन सभी लोगों से मिलना चाहेगा जिनका हाथ में पावर है, ताकत है। कौन है वो लोग? ये है भारतपुर जिले के कलेक्टर श्रीमान शंकर दयाल माथुर। इस जिले के मालिक है सरकार। ये जो भी कह दे, लिख दे और उस पर ठप्पा लगा दे तो पत्थर की लकीर हो जाता है। इनका ऑर्डर कानून बन जाता है। ये है ठाकुर बलराम सिंह, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिला भारतपुर। भारतपुर जिले के पूरे 126 गांवों की कानून की व्यवस्था इनके डंडे की नोक पर धरी है। यूं समझिए पुलिस और कानून के बेताज बादशाह हैं बलराम सिंह जी। फैंटास्टिक। और यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए? छी, उन दोनों को छोड़िए सरकार। वो दादा ठाकुर एमपी और टोपी वाले एमएलए, वो तो ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं। उनका तो काम ही हर काम का विरोध करना है। हमें तो इन जैसे कानून चलाने वालों की जरूरत है। कानून बनाने वालों से हमें क्या लेने देना है कि नहीं? बाकी का मैं इन दोनों को समझा दिया पूरा। गुड, वेरी गुड, कम इनसाइड, आइए। सो जेंटलमैन, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट भारतपुर। डैम बन जाने के बाद 126 गांव का शक्ल ऐसा हो जाएगा। पार्वती, पार्वती सागर बांध परियोजना। अगर ये जमीन हम लोगों का कब्जे में आ जाता है तो सोना बन जाएगा, क्योंकि इस नदी के किनारे हम हजारों फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाएगा जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट लागत 1032 करोड़ होगा। 1032 करोड़? और हर डीलिंग में से, सौदे में से आप लोगों का कमीशन 5% ईच। 5%? शंकर दयाल जी, गिनती से बाहर है ये पैसे। इतने सारे पैसे कि पुश्ते बैठकर खाती रहे तो भी खत्म न हो। Precisely। अब आप लोग हमको ये बताइए कि इस सारा जमीन पर कब्जा कैसे किया जाए। अरे ये क्या बताएंगे, चाणक्य जी ने सैकड़ों साल पहले बता दिया है। साम दाम दंड भेद। उन्होंने कहा है कि पहले तो समझाओ, समझाने पर अगर नहीं मानता है तो दाम लगाओ, और बिकने पे आमादा न हो तो फिर दंड दो, और उस पर भी अगर काबू में नहीं आता है तो फिर भेदभाव पैदा करके आपस में लड़ा दो। हर जगत में ऐसा कोई इंसान नहीं जो साम दाम दंड भेद के सामने झुके नहीं, समझे? और अगर इससे भी कोई नहीं झुका तो वो फिर भगवान कहलाएगा, और मौजूदा हालात देखते हुए भगवान भी इस धरती पर जन्म लेना पसंद नहीं करेंगे। गुड, वेरी गुड। दाम लगाने के लिए हम तैयार हैं, जितना चाहिए पैसा बहा देगा। और गांव वालों में भेदभाव पैदा करने का काम मुझ पर छोड़ दो। Thank you.
मान भी जाके तू ये
ना ले ना ले मैं चला तो मुझे मिला एक भालू ना ले मैं चला तो मुझे मिला एक भालू पूरे गांव को चक कर दे दूं पूरे गांव को चक कर दे दूं मैं हूं इतना चालू ना ले मैं चला तो मुझे मिला एक भालू। सवेरे से तीन बार मार खा चुके हो, अभी तक दिमाग में कुछ नहीं आया? अरे उन्होंने खेत वापस देने होते तो पहले छीन नहीं क्यों? अरे ऐसे कैसे छीन लेंगे? पकड़ो कका को, हम जाके बात करते सालों से। अरे रुक जा कृष्णा, रुक जा, मत जा। अरे वो लोग बड़े जालिम है, तुझे मार डालेंगे बेटा, बाद में जो चाहे करना जब सब लोग आ जाए। कहाँ गए सब लोग? ये जमीनें तुम लोगों की हैं, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत किस बात का सरकार? अरे हम लोग बाप दादा के जमाने से खेती करते चले आ रहे हैं, ये सब गवाह हैं। हाँ सरकार। अरे मुखिया जी, जब आपके पास इतने सारे गवाह हैं तो परेशानी किस बात की है? आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग शहर चले जाइए, वहां पर मेरा एक वकील दोस्त है, उसके नाम मैं आपको एक चिट्ठी लिख देता हूँ, वो आपका केस कोर्ट में दाखिल कर देगा। और मुखिया जी, अगर कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाइएगा। अच्छा जी, अब आप सब जाइए। कैसी सरकार की? कैसी सरकार की? सरकार की। चला चला, अरे चलो भाई। हाँ, फैसला सुना दिया। अरे उठा, सरकार ने इंसाफ कर दिया। तुम्हें कुछ पूछना है? सरकार, ये सब लोग साल भर काम करते हैं तो छह महीने का अनाज जुटता है, अगर काम काज छोड़ के कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर में पड़ेंगे तो वो भी छूट जाएगा सरकार, ये लोग भूखे मर जाएंगे। तुम्हारी कितनी जमीन चली गई? अपने बाप दादा की जमीन तो बहुत पहले ही चली गई, गांव के महाजन के पास। देखो भाइयों, तुम लोगों की परेशानियां दूर करना हम अफसरों का कर्तव्य है, पहले केस करो फिर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तुम लोगों को धीरज से काम लेना होगा। अरे धीरज से कुछ नहीं होता सरकार, धीरज से ना रोटी पकती है और ना ही उन बंदूकधारी संतरी को हटाया जा सकता है। हमें धीरज विरज नहीं, हमें हमारी जमीन चाहिए। देखो, गर्मी दिखाने से बात बिगड़ सकती है, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो इंतजार करना पड़ेगा। भूख बहुत देर तक इंतजार नहीं करती मालिक, एक बार उस सहन सीमा से बाहर निकल जाए फिर कोई सीमा नहीं देखती। आप उन्हें हमारी जमीन से हट जाने का हुक्म दीजिए मालिक। देखो, ऐसा हुक्म देना मेरे अधिकार में नहीं है। ठीक है, फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे अधिकार में है। ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। तो ये वही कृष्णा है जिसने उन थर्ड रेट विलेजर्स के सामने हमारा इंसल्ट किया था? जी हाँ गोरा ठाकुर, तुम इतना डरते काहे हो कलेक्टर बाबू? इस ससुरे पुलिस वालों को काहे खिला पिला रहे हम यहाँ बैठा के? ये सारे के सारे हैं हमारे साथ। हाँ चलो माना बलराम सिंह की पुलिस तुम्हारे साथ है, मगर एक बात याद रखना, गांव की सारी जनता उसके साथ है। मगर गन्स को फेस करने का पावर नहीं है उनके हार्ट में बलराम सिंह, अगर उन्होंने वायलेंस करने का कोशिश किया
तो उसका जवाब उससे भी ज्यादा वायलेंस के साथ देना होगा हमें। मार के ससुरे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो रे। बैकबोन बैकबोन। चलो चलो शुरू करो। शर्म आनी चाहिए थी गरीब किसानों को उन्हीं की जमीनों से खदेड़ते हुए। तुम्हें बलराम सिंह कौन कहता है कि जमीन उनकी है? कौन? मैं कहता हूं मैं। कागजात कहते हैं कि जमीन गरीब मेकर कंपनी की है और कानून किसी की बात पर नहीं कागजात के बिना पर चलता है। ठाकुर सोचता क्या है? उठा देख। ये सरासर गलत है। ये पेपर्स जाली हैं। These papers are forged. ये कागजात झूठे हैं। का ठाकुर, किसानों की लीडरी करते करते तुम साला कोरट भी बन गए का, जो सच और झूठ का फैसला खुद ही करने लगे? अगर ही साबित करना है कि जमीनें गोरा ठाकुर की नहीं है तो जाकर कोरट में करो, मगर तब तक हम और हमारा डिपार्टमेंट ड्रीम मेकर कंपनी की हिफाजत जरूर करेगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी पर भी गोलियां चलानी पड़े। समझे? तुम भी एक बात ध्यान से सुन लो, जब जब तुम जैसे पुलिस ऑफिसर्स अपनी अंधी ताकत का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तब हम जैसे लोग तुम्हारी छाती पर चढ़कर अपना न्याय मांगेंगे। अबे छाती पर बैठने वाले हमारी छाती पर बैठेगा, हमारी छाती पर बैठेगा सारा।
अब चुपचाप यहां से चले जाओ दादा ठाकुर, और रू कृष्णा से कह देना कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि पुलिस पर हाथ उठाने और एक पुलिस अफसर को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में हम उसके खिलाफ 307 और 302 का केस बना चुके हैं। अगर तुम गांव वालों को उनकी छिनी हुई जमीनें वापस दिलाना चाहते हो, इन जंगलों से निकलकर अपने गांव वापस जाना चाहते हो, तो उसका एक ही रास्ता बचा है। कौन सा? जिले के कुछ मतलबी और सत्ताधारी लोगों ने हमारे गांव के लाला और गोरा ठाकुर के साथ मिलकर जबरदस्ती हमारी जमीनें छीन ली है। अरे जमीनें तुम्हारी छीनी है, हमारी नहीं। आज नहीं तो कल छीनी जाएंगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि बांध बन जाने के बाद भारतपुर जिले की सारी जमीनें सोना उगलेंगी। लेकिन जब जमीनें ही नहीं रहेंगी तो बांध बनने का फायदा क्या? I'm sorry, you stop it. Oh, bloody hell! Phir wahi bastard Krishna! अकेले यहाँ पूरा मेला आ रहा है रे। अरे यहाँ सब चले आएंगे, शाम हो जाएगी, रात भर फंस जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चला हटा ससुराल को, चला हरा पीछा हटा हटा। अरे कहा सुनता है, चला बाबा का राजा हटा हट। पहले हम क्या जाना था चल। अरे पहले हम जाएंगे। अरे ऐसा कैसे जा रहे थे, हम आए हैं पहले पुलिया के ऊपर। जानते रहे हम किसके आदमी है? किसके? कृष्णा भैया के। कौन कृष्णा? अरे कृष्णा को नहीं जानता है? अरे वही तो किसानों की जमीनों के लिए लड़ रहा। अरे पुलिस तो कांपत है उससे, और हम उसके खास अंगरक्षक हैं। अब हुई गए ना छुट्टी, अब चला 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 चला। अरे अरे तुम्हार कृष्णा की तो ऐसी का तैसी कर। कृष्णा भैया के बारे में कुछ कहा तो खबरदार। और ये लाठी, अरे कास हिल पटना हिल, कास हिल पटना हिल, कलकत्ता हिल ला हमारी लच के जब लखड़िया सबका भेजा हिल ला। इस अंग रक्षक को तो परखना ही पड़ेगा। बरोबर। चला रहे पीछे हटा। Come on!
अरे मारे अब पता कृष्णा कौन है? या तो कृष्णा हम है या आप। आजा कृष्णा भैया। अरे वाला ना, अरे तुम तो हमारी छुट्टी करा के आए थे ना। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हमें छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। कृष्णा भैया हमको एक जगह मालूम है। कहाँ? चला इन बंजर पहाड़न के बीच घिरी हुई टूटी फूटी हवेली है भैया। बरसों हो गए यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए हम लोगों के यहाँ रहने में कोई खतरा भी नहीं है। जब तक आगे क्या करना है पता नहीं चलता, तब तक हम लोग यही डेरा डालते हैं। कन्ना भाभी तुम बाकी औरतों को लेकर गांव वापस चली जाओ, लेकिन पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ छुपे हैं। रात को बल्लू आकर बाकी खबर दे देगा। औरतें ही डरो और बाकी अपने अपनी जगह ढूंढ लो। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। अरे पन्ना भाभी ले जाओ सब औरतों को। कृष्णा भैया हम सब भी यहीं रहेंगे। कैसे रहोगी? यह ना खाने पीने का ठिकाना है ना रहने सोने का। ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा हमेशा हमारे सर पे लगा रहेगा। जाओ। मगर आप लोग भी तो यहीं रहोगे। चाची हम तो मजबूरी में रहेंगे, तुम लोगों के पीछे पुलिस थोड़ी पड़ी है। गांव वापस जाओ, वहाँ सब आराम से रहोगी। नहीं कृष्णा भैया, औरतों को आराम तो अपने पति के साथ रहकर ही मिल सकता है, उसी के साथ ही वो सही मानों में खुश रह सकती है। तुम्हें क्या लगता है, सीता माई प्रभु राम के संग वनवास न जाकर महलों में रहती तो क्या वो ज्यादा खुश रहती? रोहिणी नहीं कृष्णा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं तुम जैसे पुलिस से भागे हुए गुनहगार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये क्या कह रही है रोनी? तू जानती है मैं बेकसूर हूँ। तुम गुनहगार हो या बेकसूर इसका फैसला तो अदालत करेगी, मगर मैं इतना जानती हूँ कि जिस आदमी से मेरा ब्याह होगा वो एक नामचीन होगा। उसका नाम सुनते ही लोग अदब से उठकर खड़े हो जाएंगे। उसका नाम जबान पर लाते वक्त मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। उसके बच्चे पालते हुए मुझे स्वर्ग सुख का आनंद मिलेगा। तुमसे ब्याह करूंगी तो क्या होगा, तुम्हारा तो नाम सुनते ही लोग मुंह फेर लेते हैं। नहीं रोहिणी, 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 मुझे इस तरह छोड़ के मत जा। इस वक्त मुझे तेरी बहुत जरूरत है रे, मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा, मुझे छोड़ के मत जा, मत जा रोहिणी। ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। बापू से कहलवाकर तुम पर लगे सारे इल्जाम हटवा दूंगी, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। बोल। आज के बाद तुम ये बंदूक कभी नहीं उठाओगे, किसी और के हक के लिए नहीं लड़ोगे, अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाओगे, अपने घर में आंखें मूंद कर पड़े रहोगे, भूल जाओगे कि बाहर क्या हो रहा है। नहीं रोहिणी, मैं अपने दिल को मार सकता हूं, अपनी आत्मा को नहीं।
ब्लडी हेल, 3 महीना हो गया और डैम का काम अभी तक बंद पड़ा हुआ है। कस्तूरी, डैम नहीं बनेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। दूसरा मजदूर को बुलाओ, ज्यादा पैसा दो। अब पैसे से काम नहीं होगा सरकार। कृष्णा के भाषण में गर्मी, क्या गर्मी है? आसपास के गांव के नौजवान आकर उसको मिलने लगे हैं। कहीं ये बात पूरे जिले में फैल गई ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ओ गॉड, बलराम सिंह तुम कुछ करो, तुम्हारा पास पावर है, टेक सम ब्लडी एक्शन। ठाकुर, हम तो उस साला कृष्णा को मुजरिम घोषित कर दिया। आप अगर ये कलेक्टर ही हुक्म पास कर दे कि बांध पर काम बंद कर देना सरकार के खिलाफ जुर्म है, तो हम उस साला गांव वालों को डंडा करके दिन रात यहाँ मजूरी करा सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ऐसा हुक्म पास नहीं कर सकता हूँ, ये गैर कानूनी है। व्हाट नॉनसेंस। गांव वालों, जिला भारतपुर कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार ये हुक्म जारी किया जाता है कि हर गांव के हर घर के 2 आदमी दैनिक 28 रुपया प्रतिदिन मजूरी पर पार्वती बांध पर मजूरी करेगा। हुक्म न मानने वाले को 6 महीना कठोर दंड और 1000 रुपया जुर्माना। अरे अरे, कोई जोर जबरदस्ती है क्या? सुनो, कोई नहीं जाएगा काम पे। तू यहाँ का नेता है क्या? कृष्णा हमारा नेता है और उसके हुक्म के बगैर बांध पे कोई मजूरी नहीं करेगा। ए घसी करो सबको घर से बाहर, और जो ना माने गिरफ्तार कर लो साले को। चलो अब तो तू फंस गया रे कृष्णा, आप पुलिस के हाथों से बच नहीं पाओगे। मैं बचूंगा या नहीं ये तो बात की बात है, मगर ये वक्त ये गरीब लोग थोड़ी जबरदस्ती से बच गए, यही काफी है। तुझे पकड़ने के बदले में ऐसे 10 गुना लोग भी हमें छोड़ने पड़ते ना कृष्णा, तो ये सौदा भी हमें मंजूर था। तू एक बार जेल चले जावे तो ये साले सारे के सारे हाथ छोड़कर डर के मारे बांध पर मजूरी करने चले आवेंगे। अरे धर लो साले को, जाओ जाओ जाओ। Thank you.
बलराम भैया, पानी पर गोली चलाने से क्या होगा? न कटेगा, न फटेगा, न मरेगा। शट अप कस्तूरी, बी सीरियस। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कृष्णा को बंदूक दिया किसने? दादा ठाकुर ने, और किसने? ये दादा ठाकुर आग है, आग सरकार, और कृष्णा तेल। दादा गीला करता है, आग लगाता है। मेरे लाखों रुपए कुएं के मामले में जला डाले साले ने। गोरा ठाकुर गजब हो गया, गजब हो गया गोरा ठाकुर। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? खबर आई है कि दादा ठाकुर मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ भरतपुर कोर्ट में अपील कर रहे हैं। तो जाने दे, फैसला होते होते बुढ़ा हो जाएंगे दादा ठाकुर। यू शट अप, आई एम नॉट सपोज्ड टू गिव सच ऑर्डर्स, दे आर इलीगल। अगर 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 ये बात कोर्ट तक पहुंच गई तो मुझे हथकड़ी लग जाएगी। लगेगी, लगेगी। इस दादा ठाकुर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो करना है वो जल्दी कीजिए सरकार। ये दादा ठाकुर बड़ के पेड़ की तरह है, जिसकी टहनियां बढ़ते बढ़ते ऐसे जमीन में घुस जाती है कि फिर जड़ बन जाती है। फिर चाहे असली जड़ काट के फेंक भी दो, पेड़ खड़ा का खड़ा ही रहेगा। कृष्णा जड़ बन जाए उसके पहले पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। Then shoot him. स्वागत है दादा ठाकुर। ये क्या बचपना है बलराम सिंह? बचपना तो वो था दादा ठाकुर जो तुमने हमारे दफ्तर में आकर किया था, मगर बांकेपुर में तुमने जो गांव वालों के साथ किया वो बचपना नहीं था बलराम सिंह। अनपढ़ गांव वालों को तुमने और कलेक्टर ने जबरदस्ती काम पर ले जाना चाहा, वो भी झूठे कानून लगाकर। आज मैंने अगर तुम दोनों को हथकड़ी ना लगवा दी तो देखना, कोर्ट में पहुंचोगे तब ही होगा ना ये सब। ये देखो क्या है, फिर कोई झूठा कानून? ये तुम्हारे तड़ी पार होने का हुक्मनामा है ठाकुर। पुलिस को शक है कि तुमने कृष्णा जैसन लोगन को सरकार के खिलाफ भड़काया है, और तुम ये भारतपुर की भी भोली भाली जनता को सरकार के खिलाफ भड़काना चाहते हो। इसीलिए पुलिस ने तुम पर भारतपुर की सीमा के अंदर घुसने से रोक लगाया है, समझे? बलराम सिंह, तुम्हारी बदमाशियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए मेरा वकील इंजंक्शन ऑर्डर लेने गया है कोर्ट में, जिससे तुम तो क्या, भारत सरकार भी मुझे भारतपुर में आने से नहीं रोक सकती। इंजंक्शन लिए हो ठाकुर, तो फिर इससे पहले कि तुम्हारा वकील इंजंक्शन ऑर्डर लेकर ही यहां पहुंचे, तुम्हें भारतपुर में दाखिल होने के जुर्म में गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। ए धरो रे साले को, चलो चलो। एसपी साहब रुक जाइए, दादा ठाकुर इंजंक्शन ऑर्डर मिल गया है, अब आपको भारतपुर में आने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाओ दादा ठाकुर, वरना कानून तोड़कर भागने के जुर्म में हम तुम पर गोली चला देंगे। तू क्या मारेगा? ठाकुर साहब की हत्या करके उन जमीनखोरों ने हमारे चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी है, हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमें सिर्फ अपनी जमीनों को ही नहीं, हमें अपने आप को, अपने वजूद को भी बचाना है। तो फिर इस विनाश से बचने का कौन सा रास्ता है? उनका दिलेरी से मुकाबला। मगर कोई भी लड़ाई किसी झंडे के बिना नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि झंडा एक विचार होता है और वो विचार उस झंडे को लेकर चलने वाले का होता है। हम सबको एक ही विचार को लेकर चलना है, और उसका खातिर हम सबको एक कसम खानी होगी, उस विचार से बनने की कसम। हमारे शरीर से बहता हुआ खून है, हमारी सांसें हैं, हमारी आत्मा इसकी कर्जदार है। इस जमीन पर हमारा अधिकार उतना ही है जितना पंछियों का आसमान पर, धूल का जमीन पर और मछलियों का पानी पर, और इस अधिकार को छीनने का हक सिवाय भगवान के किसी को नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो कोई हमारे इस अधिकार को छीनने की हिम्मत करेगा
हम आखिरी सांस तक उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि यह लड़ाई भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। मगर याद रहे, यह लड़ाई सिर्फ अपना अधिकार पाने की है, अत्याचार का बदला लेने के लिए नहीं, क्योंकि बदले की भावना रखना भी भगवान के प्रति अपराध है। अब तो तू बिल्कुल फंस गया रे, अब तू हमारे कब्जे से नहीं भाग सकता। तुम्हारे ऊपर बिना लाइसेंस का हथियार रखने का, दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके पुलिस पर हमला करने का, ई गांव वालों को सरकार के खिलाफ भड़का कर बांध के काम में रुकावट डालने का, और एक पुलिस अफसर की हत्या करने का जुर्म पुलिस में दाखिल है। अपनी बंदूक फेंक कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो फिर हमसे ना कहना, ई गांव वालों की जाने खतरे में पड़ जाएंगी। हाँ,
पास है। तेरी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। चल यहाँ से, चल मेरे साथ कृष्णा, मान जा, मान जा मेरी बात, तू चल जा। और विचार के लिए खून बहाने वाला सबसे पहला जय हिंद सर। बलराम सिंह, तुम अच्छी तरह से जानते होगे कि तुम्हें यहां किस लिए बुलाया गया है। हमें शिकायत मिली है कि 25 फरवरी को किशनगढ़ में तुम्हारी ही निगरानी में पुलिस ने बेगुनाह गरीब और निहत्थे किसानों, औरतों और बच्चों पर बड़ी बेरहमी के साथ गोलियां चलाई, जिसमें कम से कम 60 आदमी मारे गए और कई लोग घायल हुए। क्या ये सच है? जी हाँ डीजी साहब, ये बिल्कुल सच है। तो तुम मानते हो कि तुमने 60 बेगुनाहों का खून किया? हमरे कुछ मानने से पहले आप ही जानने की कोशिश करें डीजी साहब कि वो सैकड़ों लोग किशनगढ़ में काहे जमा हुए थे। ओहो, ये प्रजातंत्र है बलराम सिंह, और प्रजातंत्र में लोगों के इकट्ठे होने पर कोई पाबंदी नहीं होती। मगर ऐसा काम के लिए इकट्ठा होना जुर्म है डीजी साहब, जो सरकार के खिलाफ हो। और वो कृष्णा किशनगढ़ में गांव वालों को सरकार के खिलाफ फड़का रहा था। ये वही कृष्णा है जो इंस्पेक्टर प्रभु सिंह की हत्या करके फरार हो गया था? बहुत सही पहचाना डीजी साहब, वो वही हत्यारा डाकू कृष्णा है। जब हमें पता चला कि वो किशनगढ़ में आया है तो हमने जाकर उसे घेर लिया, लेकिन इन सब गांव वालों ने उसे पुलिस से भगाने के लिए हम सब पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें बहुत से पुलिस वाले घायल हुए, उनमें से हम भी एक है। ये देखिए, देखो, देखा है? अगर हम बखत पीछे हट जाता या कृष्णा के साथियों को हमले की छूट दे देता तो पुलिस फोर्स का सिर्फ हौसला ही नहीं टूटता, बल्कि उन डाकुओं की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती। इसीलिए हमने बखत सही फैसला करके गोली चलाने का हुक्म दे दिया। अगर आप लोग इसे जुर्म समझते हैं, हमारा जुर्म समझते हैं, तो हमें जो चाहे सजा दे सकते हैं। डीजी साहब, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जय हिंद। किसना, क्या हुआ? अब कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई इन मुट्ठी भर जख्मी किसानों के साथ? पता नहीं जो लोग गए वो वापस आएंगे भी या नहीं। आएंगे, जरूर आएंगे किसना, और ही नहीं, अरे हजारों लोग हमारी मदद छुप छुप के करेगा तैयार है भैया। उनमें से हर कोई झेलेगा अपने सिने पर गोलियां भैया, एक भी जवान पीछे नहीं हटेगा उनके बंदूकों के डर से। बेवकूफों की तरह बातें मत क्या करो, भेड़ बकरियों की तरह कट के मरना बहादुरी नहीं है। इस लड़ाई में सिर्फ जोशी काफी नहीं है, उनकी हजारों बंदूकों के सामने हमारे पास 100 बंदूकें तो होनी चाहिए। एक भला मानुस हमें वो भी देने को तैयार है भैया। कौन है वो? पता नहीं, चादर उड़े हुए था। कहाँ मिला? अरे बांकीपुर माँ, वो एक दिन हम दोनों पुलिस से बचने के लिए भूतन की बौड़ी में जाके छुप गए थे। अरे भैया, देखते देखते हमारे पीछे पुलिस की पलटन लग गई थी। यहाँ कोई नहीं है खान बहादुर, उधर देख। जैसा नहीं पुलिस का पैरा हटा, एक आदमी बावड़ी के भीतर दाखिल हुआ, मुंह और सर को ओढ़े।
दिखाने देकर इशारा करने लगा। उस अजनबी ने भैया ठीक वक्त पर हमारी मदद की, हमका बंदूक दी और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था और गोला बारूद चाहिए तो पांडव गुफा है ना, उसमें बड़ा आम का झाड़ है, उसके नीचे एक चिट्ठी डाल दो और अगले अमावस को आकर गोला बारूद ले जाओ। वहां आज ये चिट्ठी छोड़ दो, कल से हम वहां पहरा देंगे। हम उस मददगार से मिलना चाहते हैं। लेकिन वो सब जो तूने शिव माता के मंदिर में कहा था झूठ था। नहीं, सच था। मैं जो चाहती हूँ वो सब क्या तुझमें नहीं है? प्रतापगढ़ से गजरौला तक, पूरे भारतपुर जिले के 126 गांव के बच्चे से बूढ़े तक, हर एक को जिसकी पहचान है वो नामचीन नहीं है? तेरा नाम लेते ही एक तो नहीं हजारों लोग अदब से खड़े हो जाते हैं, और कृष्णा तेरा नाम सुनकर मेरा सर हमेशा ही गर्व से ऊंचा उठा है। मगर तू तो मेरी हरकतों से हमेशा परेशान रहती थी। तब मैं खुद गर्व सी कृष्णा, तुझे सिर्फ अपना बनाना चाहती थी, मगर उस रात छतरी बागीचे में जब तूने बांध बनाने की खबर दी थी, तब जो चमक तेरी आंखों में देखी थी, बांध के बनते वक्त जो जोश और बाद में किसानों के लिए लड़ते वक्त जो अंगारे तेरी आंखों में मैंने देखे थे, मैं जान गई थी मेरे सपने सिर्फ तेरे सपने से नहीं जुड़े हैं, सैकड़ों हजारों किसानों के सपनों से भी जुड़े हैं। मैं अपना सपना सच करने के लिए उन हजारों सपनों को नहीं तोड़ना चाहती थी। चल मैं तुझे घर तक छोड़ दूँ। क्या हम ये सपना एक साथ रहकर नहीं देख सकते? हाँ अनुषा
पक्षी भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतुवे सर्वे गह शान्तिकरा भवन्तु ॐ हरि ॐ जागले से मेरे जान बन के अमर हो जाए मेरे दिन यौवन के We'll be right back.
वो देखो, वो रही भारत को शस्त्रगार की शस्त्रवाही, जिससे बंदूकें, राइफलें, गोलियां पूरे भारतपुर जिले के पुलिस थानों में पहुंचाई जाती हैं। जब ये लोग हमारे गांव के थाने में हथियार लेकर आते थे, तभी मैं तुम लोगों के लिए एक दो बंदूकें चुरा लिया करती थी। मगर जब से तू बागी हुआ है, पुलिस का पहरा बहुत सख्त हो गया है। लॉरी के आगे पीछे मशीन गन से लैस पुलिस के सिपाही चलते हैं। तो फिर इतने सख्त पहरे को हम निहत्ते तोड़ेंगे कैसे? कालीघाटी का इलाका सुनसान है, वहां पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर हम बंदूकें लूट सकते हैं। चलो,
कृष्णा का साथ दिया था तो इसी चौक पे मरता नहीं तुम्हारे सर टूटे हुए दिखाई देंगे, समझे? चलो बलराम सिंह आया था अपनी फौज के साथ, तुम्हारा आता पता पूछ रहा था। कृष्णा भैया मेरी स्लेट और किताबें छीन कर जला डाली। वो हम गुजरेला गांव की तरफ जा रहे थे ना, तो रास्ते में काला डेरा पहाड़ियन के बीच का हुआ कि हमने देखा है कि एक रास्ते में मोटर गाड़ी बंद पड़ी है। तो मैंने करीब जाकर मोटर में झांक के देखा तो मालूम है क्या देखा? क्या देखा? अरे एक औरत छुपी हुई थी अंदर। तो मालूम क्या कहने लगी? मेरा पति इस इलाके का सुपरिंटेंडेंट है, एसपी बलराम सिंह। हाँ भैया, यह उसी जल्लाद की बीबी है। सस्री को हमने घोड़े पे बिठाया और यहाँ ले आए। अरे हे कृष्णा, अब तो अपना काम बहुत आसान हो गया है भैया। इस साला औरत को लेकर हम उनसे सौदा कर सकते हैं भैया, अपना हर मांग पूरी कर सकते हैं, अपने साथियों को जेल से छुड़वा भी सकते हैं और का गोला बारूद हासिल कर सकते हैं। बोल भैया बोल। शाबाश शाबाश पल्लव, शाबाश। कहाँ है वो? अब मैं देखता हूं वो लोग कैसे हाथ लगाते हैं रोहिणी को। रोहिणी? हाँ बल्लू, अभी अभी पता चला है कि रोहिणी को पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं। अब मैं इस औरत को बर्बाद करके एसपी के पास ले जाऊंगा। कृष्णा, इसे कुछ हो गया तो वो लोग हमारी बहू को नहीं छोड़ेंगे। कृष्णा कृष्णा, इसे हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं है। कृष्णा, उनको पता चल गया तो मालूम नहीं वो लोग। रुक जाओ कृष्णा, तुम गुस्से का दिल्ली यहाँ जलाओगे मगर आग हुआ लगेगी। वो लोग हमारी बहू की इज्जत लूट लेंगे। कृष्णा कृष्णा, तुम अपना इस नीच हरकत का सजा उस निर्दोष के काहे दिला दो। तो तुम मानते हो पति की नीच हरकतों की सजा उसकी निर्दोष पत्नी को नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, रोहिणी को कोई उठाकर नहीं ले गया था। यह सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम लोगों को समझा सकूं
अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकवाद पर रची हुई ये लड़ाई नहीं लड़नी है हमें। उन बहसियों का साथ कौन देगा हा? उन बहसियों का साथ कौन देगा जो बहु बेटियां उठाकर ले जाते हैं। मगर उन्होंने भी तो हमारी बहु बेटियों के साथ ऐसा किया है, तो हमें भी वही सबक सीखने हैं, वही पाठ पढ़ने हैं जो वो सीख रहे हैं। सीखना है तो वो सीखो जो वो समझ नहीं पा रहे कि जबरदस्ती छीनी हुई चीजों को संभालना कितना मुश्किल होता है। घबराइए नहीं बहन, शाम होने से पहले आप इत्मीनान से घर पहुंच जाएंगे। बलराम भैया, मैं तो कहता हूँ ये कृष्णा का ही काम है। उस रात मेरी बेटी गायब हो गई थी, सुबह खबर आई कि कृष्णा ने उसके साथ शादी कर ली है। आज रात भाभी जी गायब हो गए, देखते हैं कल सुबह क्या खबर आती है। ए, ए, लाला तेरी जवान कैसे है? लगता है मिम साहब आ गई। अब तुम कहाँ खड़े हो, कहाँ चले गए थे तुम? परेशान हो गए हम, यहाँ देखे वहाँ देखे, अरे तड़प गया बच्चा भूख के मारे। सुनो, अरे फोन नाम की कोई चीज है कि नहीं है? मुझे कृष्णा के आदमी उठा कर ले गए थे। देखा देखा, मैंने कहा था ना वो हरामजादा बच्चे और औरतों को भी नहीं छोड़ता। भाभी जी तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना? नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। अरे वो डरपोक और कर भी कर सकता था, तू चिंता ना कर मालती, हम उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हाँ, उस कृष्णा को खबर तो पड़े, ये एसपी की चोरू को हाथ लगाना खून करने से ज्यादा बड़ा जुर्म है। तुम उस कृष्णा को मारोगे जिसने तुम्हारी बीवी को बिना खरोंच के छोड़ दिया, जिसने मेरी इज्जत के खातिर अपने भाई को थप्पड़ मारा और खुद मुझसे माफी मांगी, जिसने अपने बड़े से बड़े दुश्मन की बीवी को बहन समझकर विदा किया, तुम उस कृष्णा को मारोगे? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम ऊका छोड़ दें? कानून से भागे हुए हर मुजरिम को पकड़ना हमारा फर्ज है, हम अपनी ड्यूटी ना करें? हाँ हाँ, बूढ़े बच्चों औरतों को कुचलना, उनके घर खेत जला देना, उनकी जमीनें छीन लेना, उनका सर्वनाश करना, यही तुम्हारी ड्यूटी है ना? बंद करो ये भाषण, हमारी ड्यूटी कहाँ है और हम क्या करते हैं इसके बीच में कभी अड़ंगा नहीं लगाना। ठीक है, तो मैं भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। छोड़कर जा रही हो, मगर कहाँ है? मैं और मुन्ना तुम्हारे पापों का भागीदार बनना नहीं चाहते। हमने एक बात सुनो है, तुमने बगैर हम क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे? हमने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगते हैं, हमें छोड़कर ना जाओ। ठीक है, तो फिर इसके सर पर हाथ रखकर वचन दो, आज के बाद कृष्णा को पकड़ने के लिए किसी भी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं। डरो नहीं बलराम भैया, डरो नहीं। कृष्णा अगर साम दाम और दंड से नहीं समझा तो क्या हुआ, एक और शस्त्र बाकी है, भेद, भेद से टूटेगा, जरूर टूटेगा। कृष्णा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, मेरी बेटी को मार डाला, तेरा सत्यानाश हो जाए कृष्णा, अरे मार डाला मेरी बच्ची को। बाबा, बाबा ये सब क्या हुआ? ये कृष्णा है ना, खुद तो अपने को गरीबों का दादा कहता है, पर उसके आदमियों ने गांव में लूट मार मचा रखी है, माँ बहनों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अभी चार दिन बाद इस बच्ची की डोली उठने वाली थी, उसके आदमियों ने इसकी इज्जत लूट ली, ये अच्छा नहीं किया कृष्णा ने। क्यों बाबा, कृष्णा के आदमी अक्सर यहाँ आते हैं। उनका क्या है, दो दिन बाद फिर आ जाएंगे लूट मचाने,
ए बढ़िया दूसरा लाई सरकार। ए कौन हो तुम लोग? कृष्णा के आदमी हैं हम। ओ लगता है इनको भी हमारी तरह एसपी बलराम सिंह ने भेजा है। अबे उल्लू के पट्ठो, कभी देखा भी है कृष्णा को? तूने देखा है कृष्णा को? कृष्णा शिशुपाल की औलाद, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा, जिंदगी भर तू पाप करने के लायक नहीं रहेगा। रखेगा और सिर्फ उसे ही यह अधिकार दिया जाएगा कि वो न्याय करे और अपराधी को सजा दे। है मंजूर? शेम शेम ओनियो, बड़ा सुपरिंटेंडेंट बनता है। अरे वो कृष्णा ने पुलिस का हथियार लूटकर हमारा ही आदमी लोगों को खेत से भगा दिया। देखा, ये सब तू मेरी खातिर हुआ है। ससुर अपनी बेटी को कृष्णा से ब्याह दिया और बेटी ने कृष्णा को हथियारों तक पहुंचा दिया। वाह, धोबी पर बस नहीं चला तो गधे को लात मार दी। ये सारे फसाद की जड़ तुम हो गोरा ठाकुर, तुम। What nonsense! हाँ, ना ही तुम किशनगढ़ में गोली चलाते, ना ही वो बच्चा मरता और ना ही ये बवाल हो। Shut up! You shut up! अबे डरपोक, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। Please, gentlemen, don't fight. जरा सोचो, गांव वालों के पास हथियार आ गए। अगर ये बात सरकार तक पहुंच गई तो हम सबको हथकड़ियां लग सकती है। Yes, जब दुश्मन का ताकत अपना ताकत से ज्यादा हो जाए तो उसका साथ फ्रेंडशिप कर लेना चाहिए। गोरा ठाकुर सही कहते हैं, जब तक ये खतरा टलता नहीं है हमें कृष्णा के सामने झुक जाना चाहिए। जरा ज्यादा झुकना, पांव खींचने में आसानी रहेगी। तो फिर मैं उसको बुलाता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब फिर भी अगर नहीं समझा तो तोड़ दूंगा हरामखोर को। कहिए कलेक्टर साहिब, किस लिए बुलाया है? कृष्णा, मेरे इलाके में जो दंगा फसाद, खून, डकैतियां हो रही हैं, मैं चाहता हूं कि ये सब रुक जाए और शांति से टेबल पर बैठकर जो भी तुम लोगों की तकलीफें हो उनका हल सोचा जाए। ठीक है, किसानों को उनकी छीनी हुई जमीनें वापस कर दीजिए, सब रुक जाएगा। छीनी हुई जमीन नहीं है, इस इलाके की उन्नति के लिए रखी है। किन लोगों की उन्नति? जिन्हें घर से बेघर कर दिया गया, भिखारी खाना बदोश बना दिया गया, और उन साहूकारों की जो उन्हें गुलाम बनाकर उन पर राज करना चाहते। देखो देखो देखो, अपने अपने दिमाग को ठंडा रखो, ठंडे दिमाग से आप प्लीज बैठिए, बैठिए आप। ये देखो ये जो पार्वती नदी और चंदा नदी का संगम है ना, ये जमीन बहुत उपजाऊ है।
और यहाँ एक अच्छा खासा मकान भी बनाया गया है। तुम जानते हो किसके लिए? किसके लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अब लोगों के नेता बन चुके हो। तो आप हमें रिश्वत देना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। देखो कलेक्टर, मैंने यह बंदूक अपने फायदे के लिए नहीं उठाई है, किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने के लिए उठाई है। उनकी जमीनें उन्हें वापस मिल जाएंगी, लेकिन लेकिन हर चीज का एक कायदा होता है। सबसे पहले तुम्हें ये हथियार हमें वापस करने पड़ेंगे कृष्णा। अपनी घड़ी उतारो, उतारो। सुंदर है, सोने की। जानते हो कलेक्टर, यह घड़ी तुमने मुझे क्यों दी? क्योंकि मेरे पास बंदूक है, बंदूक। जब तक हमें अमरी जमीनें वापस नहीं मिलती, तब तक उन्हें हासिल करने के लिए लड़ते रहना हमारा धर्म है। देखो कृष्णा, इस तरह जीत पर अड़े रहोगे ना तो हमें मजबूरन जमीन पर कब्जा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुम हमारी जमीनें दिन में छीनोगे तो हम उनका राजमा वापस ले लेंगे, लड़ेंगे साल, 10 साल, 50 साल। जब तक हमारी जमीनें हमें वापस नहीं मिलती, यह हथियार नहीं रुकेंगे। हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन याद रखना ये लड़ाई जारी रहेगी। मार डालूंगा सारे को। नहीं एसपी साहब, एक कृष्णा मरेगा तो 100 और पैदा होंगे, क्योंकि कृष्णा आदमी नहीं, एक विचार है, और गोलियों से सिर्फ आदमी मरते हैं, उनके विचार नहीं मरते। नाम आपको ही रखना है। लड़का है बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा है। सूरज, 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 सूरज। बच्चे को बचाओ कृष्णा, मेरे बच्चे को बचाओ। मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरे बच्चे को बचाओ कृष्णा, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ कृष्णा। 3 दिन से भूखा है ये कृष्णा। क्यों? तुम तो श्यामलाल की खेती में काम करते हो। मगर मजदूरी नहीं दी उसने। क्यों? बोलता है मेरा पिछला लगान बाकी है। कृष्णा मेरे बच्चे को बचाओ, कृष्णा मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा एक ही बेटा है, कृष्णा मेरे बेटे को बचा लो। कृष्णा बच्चा तो मर गया। मेरा बेटा मर गया। श्यामलाल को पकड़ के लाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। हे कृष्णा, ये मुझे किसने पकड़ कर लाए? इनसे कह दो मुझे छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। सुना है तूने शंकर को उसकी मजूरी नहीं दी? हाँ हाँ, हो गई भूल, दे दूंगा। खेत का मालिक खेत मजदूर को उसका हिस्सा देना भूल सकता है, मगर भूख अपना हिस्सा मांगना नहीं भूलती। तेरी वजह से शंकर का बेटा तड़प तड़प कर मर गया। तुझे माफ नहीं किया जा सकता। आज से 4 फसलों तक शंकर खेत का मालिक होगा और तू उसमें मजदूर की तरह काम करेगा। कृष्णा
की जय, कृष्णा की जय, कृष्णा की जय, कृष्णा की जय। हमें पाप की सजा देता है और असली पापी की तरफ देखता भी नहीं। अगर सजा ही देना है तो अपने भाई को दे, जो रोज गांव की एक छोकरी की इज्जत लेता है। शामू, दूसरों के पाप गिनवाने से अपने पाप का बोझ कम नहीं होता। ले जाओ उसे। अरे मारना, मार मार, मारता क्यों रही? हाँ हाँ, तू हम जैसों को ही मार सकता है। अरे अगर तू जवाब मारता तो अपने भाई को मार के दिखा, हम भी देखें तू कितना बहादुर है। किस चीज का नशा है ये? शराब का या उस ताकत का जो लोगों ने तुम्हें दी है? अरे ये ताकत हमका इन लोगों ने नहीं दी है, हमने कमाई है। कमाई है? कमाई है कैसे? कैसन? अरे जैसा तुमने कमाई है वैसन। तुम इन लोगों के लिए लड़त रहे तो हम भी लड़त रहे। सुबह शाम रात महीना बरस पर क्या मिला हमका? धूल सारा। इससे तो हम एक शराब की बोतल भी नहीं खरीद सकत। जिस धूल को पाने के लिए हजारों बुढ़े बच्चे औरतें अपनी जानें दे चुकी हैं और हजारों देने के लिए तैयार है, और तू उस धूल से एक शराब की बोतल को पाना चाहता है? इस लड़ाई में तुझ जैसे स्वार्थी सिपाही की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू अपने बड़े भैया के सजा नहीं दे सकत है कृष्णा, हम तोरे बड़े भैया हैं भाई। अब तो मेरा बड़ा भाई नहीं है बल्लू। हजारों लोग जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, उस विचार को निगलने वाला एक घिनौना विचार है तू, और उस विचार को मुझे जड़ से काट के फेंकना ही पड़ेगा। पर इस इलाके में फैसला करने का अधिकार तुम्हें हमको दिया था। हाँ, और अब यह फैसला भी तुझे ही करना है। जिस दुनिया में जीसस गांधी मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों को मारा जा सकता है, वहां क्या एक कृष्णा को खत्म नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता ठाकुर, हमने बहुत कोशिश की, पुलिस अब कृष्णा का मुकाबला नहीं कर सकती। What the bloody hell? मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते, तो और कौन कर सकता है? अब तो सिर्फ मिलिट्री ही मार सकती है। मिलिट्री? तो मिलिट्री को बुलाओ। मिलिट्री इतनी आसानी से नहीं आती। तो कैसे आता है? इस देश में मिलिट्री को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है? जात पात के नाम पे दंगे करा दो,
या तो फिर किसी मिनिस्टर या किसी बड़े सरकारी अफसर का कत्ल हो जाए, तब आ जाती है। बड़ा सरकारी अफसर, तुम भी तो बड़े अफसर हो, भरतपुर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अरे हमरा कत्ल करने का इरादा है का ठाकुर? Why not? तुम हमारे लिए बेकार हो चुका है और बेकार चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अरे बहुत बड़ी फौज ने वहां भरतपुर में डेरा डाल दिया है, उनके पास बंदूकें, तोपें, गाड़ियां, घोड़े, ऊंट, जीप सब कुछ है। लेकिन इतनी फौज आई किस लिए? अरे पुलिस को शक हो गया कि एसपी बलराम सिंह की हत्या तुमने की है, इसलिए हम लोगों ने खात्मा करने के वास्ते सरकार ने फौज भेजा है। अरे नहीं, हमारे साथ चलो, हम फौज को बजरंगी पुल के उस पार रोककर सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। और फिर भी सेना का नेता नहीं माना तो सबको बता दो उन्हें क्या करना है। सेना बढ़ेगी तो उसे टूटे पुल के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। यही वो पुल है जहां बारूद बिछाकर हम मिलिट्री को उस पार रोक सकते हैं। जल्दी नहीं बुझाई गई तो पुल तो उड़ जाएगा। नहीं, अगर ये पुल उड़ गया तो सेना को यकीन हो जाएगा कि हम गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ये पुल बचाना बहुत जरूरी है। नहीं कृष्णा भैया, जान खतरे में मत डालो। कृष्णा हो देख, फरियाद सरकार तक पहुंचाऊंगा, और अगर आपकी बात सच निकली तो मुझे यकीन है कि सरकार आप लोगों के साथ पूरा इंसाफ करेगी और तुम्हें तुम्हारी जमीनें वापस दिलवा देगी। यह मेरा वचन है।
अनिल साहिब, अगर हमें हमारी जमीनें वापस मिल गई तो मैं और मेरे साथी हथियार समेत आपके हवाले हो जाएंगे। फिर आपकी सरकार हमें जो भी सजा दे हमें मंजूर है। ये मेरा भी वचन है। आइए आइए करण साहब, जल्दी से बताइए क्या खुशखबरी है। सर बी क्विक। खबर यह है कि गद्दारों का पता चल गया है। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। इसलिए मैं आप सबसे यह सवाल करने आया हूं कि गद्दारों के साथ कैसा सलूक किया जाए। व्हिप दोज़ बास्टर्ड्स। पट्टी से मारो, पट्टी से मारो। आइडिया अच्छा आपका। या ये क्या करें सर? वही जो गद्दारों के साथ करना चाहिए। सरकार हम गद्दार नहीं है। जबरदस्ती जमीनों पर कब्जे करने वाला गद्दार नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं सर। देश की मिलिट्री को धोखा देने वाले गद्दार नहीं होते। Arrest them. Yes, sir. ले जा लाला और कलेक्टर को, अब जेल में चक्की पिसवाना और वही आटा खिलाना। चलो गोरा ठाकुर, तुम भी चलो। भाइयों और बहनों शांत रहिए, थोड़ी ही देर में कृष्णा अपने साथियों और हथियारों समेत मंत्री महोदय के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। आप शांत रहिए।
कर्नल कबीर अहमद साहब ने हमसे एक वादा किया था, अगर हम अपने हथियार और अपने आप को कानून के हवाले कर दें तो वो हमें हमारी छीनी हुई जमीनें वापस कर देंगे। वो जमीनें हमको वापस मिल गई है तो आज फिर से कसम खाते, वो कसम जो हमें अपने गांव से, अपने समाज से, अपने देश से फिर से जोड़ दे और देश की तरक्की में हमें फिर से शामिल कर दे। है मंजूर, 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 है मंजूर। जाने दो मुझे, कृष्णा के पास जाने दो, कृष्णा कृष्णा मुझे कृष्णा का आने दो, आने दो। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कुछ बोलो कृष्णा, 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 हे राम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चल जल्दी चल रहे कृष्णा के पास, जल्दी ले चल मुझे कृष्णा के पास। कृष्णा, ओ कृष्णा, कृष्णा, मेरी जमीन मुझे वापस मिल गई है। अरे कृष्णा देख, ये देख, 20 साल के बाद मुझे जमीन वापस मिल गई है। देख देख चाचा, हमारा कृष्णा हमें छोड़कर चला गया। चला गया? अरे नहीं भाई, हमारा कृष्णा हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जब भी हम गरीबों पर मुसीबत आएगी वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा, हमारा कृष्णा जरूर आएगा, हमारा कृष्णा जरूर आएगा। कृष्ण कन्हैया